पहले बाहर जाते हैं उनको कहते हैं यार पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करो, जब वो इन्वेस्टमेंट करने आते हैं हम उनके साथ वो सलूक करते हैं, वो गरीब भाग जाते हैं। देखें अब चाइनीज को सोच सकता था वो जिन्होंने $30 मिलियन लगाया, $30 मिलियन होता कितना है यार, मुझे बताएं, थोड़े से तो पैसे हैं $30 मिलियन, ठीक है, कोई इतने को खरबों नहीं लगाए उन्होंने, वो भाग रहे हैं, कहते हैं $200 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट और रखी हुई थी, हालांकि कोई 200 कितनी होगी ये, मतलब इट विल बी लाइक 100 अरब होगी। मैं सबसे पहले दुख है कि दुनिया आपके पास कारोबार करने के लिए आती है, लेकिन आप उनको उनके साथ उनको क्या देते हैं, आप क्या उनके साथ करते हैं? नहीं लगता कि हम बड़ा ये स्लोगन करते होते थे कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगाते होते थे, तो आज वो पाक चीन दोस्ती कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या कहेंगे वो, कहाँ गई वो दोस्ती वो मोहब्बत? नजर आ रहा है कि ये जो अगले 5 से 10 साल है इसमें पूरी दुनिया के जो बिजनेसेस हैं जो अभी तक वहां पर नहीं भी हैं वो भी सब के सब वहां पर ओपन हो जाएंगे और बहुत तरक्की करने वाला है, यानी कि ये तरक्की बहुत ज्यादा नजर आएगी। जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते थे उनका क्या कसूर है? उनको वापस भेज दें आप, उनसे माफी मांगे बल्कि कि यार हमने तुम्हें गलत जगह पे बुला लिया, वापस चले जाओ, हम कारोबार के तो लायक नहीं। एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया, तो इससे पाकिस्तान की मईशत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाक चीन दोस्ती के हमने बड़े जो है ना नारे सुने हैं, बड़े तराने सुने हैं कि पाक चीन दोस्ती के चर्चे हैं बड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही गैर मुनसिफाना बात है ये। जय हिंद दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के कई सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है और अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे सारी इन्वेस्टमेंट चाइना वापस खींच रहा है और इन्वेस्टमेंट बीच में ही छोड़ के चाइना भाग जा रहा है। स्टील इंडस्ट्री में भी चाइना ने टोटल 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया था, जिसमें पहले फेज में लगभग 200 मिलियन चाइना ने इन्वेस्ट करना था और 40 मिलियन ऐसा बताया जाता है कि इन्वेस्ट भी कर दिया था, लेकिन फैक्ट्रियों से सिर्फ और सिर्फ चाइना के हाथ, जो कि उम्मीद थी, घाटा ही नज़र आ रहा है। इनिशियल फेज में 20 मिलियन उन्होंने लगाया, लेकिन डूब के उनके हाथ में कितना आया, सिर्फ 7 से 8 मिलियन ही रिकवर कर पाए। यानी कोई बंदा बिजनेस करता है तो फायदे के लिए, यहाँ 14 मिलियन घाटा ही हो गया चाइनीज का। तो चाइनीज ने तुरंत इस पर रीथिंक किया और सारा का सारा जो स्टील इंडस्ट्री पे पैसा लगाना था चाइना को, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। आप इसे सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि लगभग $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट वापस खींच लिया, लगभग 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाइना ने पाकिस्तान से वापस खींच लिया। वहीं तमाम रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में इन्वेस्टमेंट किया जाए, लेकिन हमारी सरकार भाई सही सोच रही है, किसी भी देश का इन्वेस्टमेंट आ जाए लेकिन चाइना से इन्वेस्टमेंट ना, क्योंकि चाइना जिस देश में इन्वेस्टमेंट करता है उसका क्या हाल करता है पूरी दुनिया जानती है। देखें अब चाइनीज को सोच सकता था जी वेदर, एक बात अपने दिमाग में बिठाने की जरूरत है, चाइनीज इंडिया चले जाएंगे पाकिस्तान नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज उनको वहां पे एटमॉस्फेयर मिलेगा ना, पाकिस्तान में एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा भैया, यहां पे क्यों एटमॉस्फेयर देंगे हम? हमारा तो ये मसला ही नहीं है। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला सिर्फ इतना है कि हम कहते हैं कि आओ पैसे दो, हमें एड दो, हमें खिरात दो, हमारे लोगों को कारोबार नहीं करना। कारोबार में तो फिर वो तो कारोबार पैदा होगा ना, वो तो होगी, ठीक है, बिजली महंगी, टैक्सेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, जो चीज हम करना चाहते हैं वो हमें दी नहीं जाती। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब सिचुएशन खराब हो गई है, अब हम यहां पे आपके साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। तो जब इस तरह की पॉलिटिकल वोलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, इकोनॉमिक मेल्डाउन होगा, ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी आपको तंग कर रही है, अब वो जिन्होंने $30 मिलियन लगाया, $30 मिलियन होता कितना है यार, मुझे बताएं, थोड़े से तो पैसे हैं $30 मिलियन, ठीक है, कोई इतने को खरबों नहीं लगाए उन्होंने, वो भाग रहे हैं, कहते हैं $200 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट और रखी हुई थी, हालांकि कोई 200 कितनी होगी ये, मतलब इट विल बी लाइक 100 अरब होगी। अब 100 अरब अगर वो टोटल 100 अरब इस मुल्क में लगा लें, ठीक है, $250 मिलियन लगा लें, तो मतलब आप इमेजिन करें, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर 50 अरब 30 अरब लगा के बंदा, 20 अरब लगा के बंदा चीखे मार रहा है बिकॉज ऑफ हमारी सरकार की वजह से, तो आप बताएं फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए लोगों को, क्या करें जो बाहर से लोग आते हैं, कैसे माहौल दें उनको? मैंने आपको बताया था, द चाइनीज विल नेवर प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स, चाइनीज विल गो फॉर कस्टमर्स, उनको कस्टमर इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन जो है ना, वो ये कहा जाता है जी हमारा मुल्क है, हमारे लिए खुदा रहा कुछ सोचें, जब हम पहले हम लोगों को लेके आते हैं, ट्रैप में लाते हैं, जब ट्रैप में आते हैं वो पाकिस्तान में कारोबार करना शुरू करते हैं, फिर हम कहते हैं अब इन्होंने जाना किधर, अब तो इनके पैसे लग गए, अब तो ये भाग ही नहीं सकते। वो बात तो सच्ची है, वो अब भागेंगे कैसे भाई,
जब हम एक बंदे का देखें, जितनी ज्यादा जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो उतना इन्वेस्टमेंट जो करता है बिजनेसमैन वो डरपोक होता है, उसको अपने पैसे की फिक्र है कि मैंने इस पैसे को निकालना कैसे है यहां से। एंड देन हमारी फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी है कि यहां पर कोई लंबी चौड़ी कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही कि ठीक है यार ये जो स्टील मिल है, और ये स्टील मिल की जब उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की होगी उन्होंने देखा होगा कि पाकिस्तान की अपनी स्टील मिलें तो बंद हो रही है, हमारी अपनी स्टील मिलें तो बंद हो रही है। वो इसलिए बंद हो रही है बिकॉज हम लोग जो है अब प्रवाह नहीं करते, हम हमें पता है कि यार वो सरकारी स्टील मिल है छोड़ो दफा करो, खा गए पी गए पूरी पूरी आवाम खा गई, पॉलिटिकल पार्टीज खा गई, मतलब हर बंदा खाने हुकूमत को अवाम को हर बंदा मुल्क खाना चाहता है लेकिन कोई बीच में ऐड नहीं करना चाहता। अब बताएं आप चाइनीज कहते हैं कि जी हम तो आए थे कि यहां पे डोमेस्टिकली हम प्रोड्यूस कर सकें स्टील, अब वो चाइनीज नाराज होकर जा रहे हैं, सऊदीज आ नहीं रहे, अमराती सियाने हैं वो कहते हैं हम वहां पैसे लगाएंगे जहां हमें रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आएगा। दुनिया का कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता जी? एक सवाल है, जस्ट अ क्वेश्चन, विच बिजनेसमैन ऑन अर्थ डजंट वांट अ रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट? एवरीवन वांट, बट अगर आप ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें कि वो कहें यार हम तो नहीं ये कर सकते, हम तो नहीं इसमें कुछ कर सकते, तो मुझे बताएं कि कैसे आप ये करेंगे? ऐसा होता है तो पाकिस्तानी मईशत को बड़ा नुकसान, पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान होगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो और इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाक चीन दोस्ती के हमने बड़े जो है ना नारे सुने हैं, बड़े तराने सुने हैं कि पाक चीन दोस्ती के चर्चे हैं बड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही गैर मुनसिफाना बात है, ये गैर मुनसिफाना बात है। आपको नहीं लगता सर हम कुछ चाइना पर ज़्यादा ही डिपेंड कर रहे हैं आज की डेट? क्योंकि हम एक ना अगर वही शुभाशरी वाली बात है कि हम बैगर्स हैं बेसिकली, क्योंकि हम अभी अब खुद मुख्तार अभी हमारे अंदर शौर नहीं है, और हम हमारे अंदर उतनी हमारी जो है मईशत जो है इतनी मुस्तहकम नहीं है, तो डेट्स वाई कि हम उन पर डिपेंडेंट हैं, वो हम चाइना पे डिपेंड कर रहे हैं और चाइनीज़ कंपनीज़ भी हमको थ्रेट कर रही हैं। आपने कहा जैसे पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब हम देखते हैं हमेशा, हम कहते हैं मैंने तो बड़ा स्लोगन सुना है पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद इन ऑल दैट, तो आज वो जिंदाबाद दोस्ती कहाँ पर चली गई, क्या कहेंगे? पाक चीन दोस्ती मैंने एक बचपन में सुना था, एक तराना टाइप था कि जब भी आती है लेके जाती है पाक चीन दोस्ती, आपने भी सुना होगा, तो वो काफ़ी एक उस टाइम ना एक बड़ा ही एक पॉजिटिव इमेज आता था इसका चाइना का। लेकिन आज जो आपने बात की तो मुझे एक तो दिली ठेस पहुंची है इस बात पे कि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है, और ये हमारी आने वाली हो सकता है नस्लों को भी इसका अजाला जो है ना बर्दाश्त करना पड़े। कंपनी अभी तक हमने उनके नाम ट्रांसफर नहीं की, वो कहते हैं 5 साल हो गए हैं, ठीक है जी, और फिर स्टील की क्वालिटी बड़ी बुरी है। यार आप इमेजिन करें अगर चाइनीज का ये व्यू है हमारे बारे तो बाकी जो मुल्क हैं वो क्या करेंगे? सो हम लोग वो कारोबारी लोग नहीं रह गए, ठीक है, हमारा जो मुल्क है वो कारोबारी माइंडसेट वाला मुल्क नहीं है, हमारे लोगों की अप्रोच डिफरेंट है, यहां पे तमाशा अप्रोच है, और सारे बस वो जिसे कहते हैं बस इनकलाब इमरान खान को छुड़ाना है फलाना, कभी कभी मजहबी इनकलाब आ जाता है, कभी सियासी इनकलाब आ जाता है, कभी कहते हैं हमने फलाने को छुड़ाना है। अब जो बंदे मुल्क में काम करना चाहते हैं आप उनको काम नहीं करना देंगे, और अगर अब आप जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है आप जरा सी बात इमरान खान के खिलाफ करो कहते हैं गद्दार हो गया है, फौज का फलाना है, ये फलाना डमकाना है। देखें स्टंटेड ग्रोथ है यहां पे, पूरे पूरे दिमाग ही नहीं काम करते जिन लोगों के, जिन देखें दोस्तों एक चाइना ही है ले देके जिसने पाकिस्तान को अच्छे से संभाला हुआ है अभी तक। अच्छे से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना ने हर सेक्टर में पाकिस्तान में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा, मरीन सेक्टर से लेके शिपिंग सेक्टर से लेके लोहा एल्यूमिनियम स्टील हर क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट और रेलवे, मतलब कौन सा ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें चाइना का हैवी इन्वेस्टमेंट ना हो पाकिस्तान। एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि चाइना की कॉलोनी बन चुका है पाकिस्तान, अब पाकिस्तानी बच्चों को चाइनीज पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तानी ट्रेनों में आपको अब उर्दू के साथ चाइनीज लैंग्वेज भी नजर आएगी, ये तक हो चुका है। जबकि ऐसा कहा जाता है कुरान वगैरह में कि और लैंग्वेज पढ़ना या उसमें बोलना बात करना हराम है, अब हरामपना कहाँ गया भाई तुम्हारा? हर चीज़ों में तो हलाल हराम देखते हो, अब हराम हो गया तो फिर कैसे तुम हर जगह चाइनीज लिख रहे हो? क्योंकि चाइना ने गुलाम बना लिया है, हर चीज़ मेड इन चाइना होता है, और चाइना ये शर्त रखता है कि बेटा तुम तो हमसे लोन पे सामान ले रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो ऐसा करो हमारी लैंग्वेज पढ़ो, हम अपनी लैंग्वेज में तुम्हें अब चीज़ें बना बना के देंगे। चाइनीज़ लैंग्वेज मंदारिनी को भी चाइनीज़ प्रमोट कर रहा है,
ठीक है। तो पाकिस्तान सही में यार सच में गुलाम कंट्री है, और कहने को तो ये अपने आप को इस्लाम का बहुत बड़ा किला समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस्लाम को सबसे ज़्यादा गंदा भी इन्होंने किया। इस्लाम के लिए नाली के कीड़े ही है, ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने इस्लाम को बदनाम किया, ये और बांग्लादेश टाइप देश ये यही डिजर्व करते हैं।